रविवार को कोरोना संक्रमण के कुल 184 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 179 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 6 संक्रमित मिले। इनमें से महेसरा निवासी एक महिला की मौत हो गई है। संक्रमितों में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के गैनीय विभाग की 25 वर्षीय एक जूनियर डॉक्टर भी है। इसके पहले भी एक जूनियर डॉक्टर में संक्रमण मिल चुका है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 135 हो गई है। 45 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, जबकि 8 की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 82 है। आपको बता दें, रविवार को 6 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें चिलुआताल क्षेत्र के महेसरा निवासी 45 वर्षीय बबुनी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। उनकी मौत हो गई है। वह अपने पति व 3 बच्चों के साथ 22 मई को मुंबई से आई थी। उनकी तबीयत 8 माह से खराब चल रही थी। आने के बाद उनके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पति ने बताया कि 5 जून को गोरखनाथ स्थित एक अस्पताल में इलाज कराने गई थी, वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, तभी से यही भर्ती थी। पीपीगंज के सौराहा निवासी 60 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह अपने गांव के एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई थी। गोला के छितौना गांव निवासी 55 वर्षीय एक व्यक्ति में भी कोरोना संक्रमण मिला है। वह भी मुंबई से आए थे। बेलीपार के कनाइल निवासी एक 16 वर्षीय किशोर में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके पिता पहले संक्रमित पाए गए थे और 30 मई को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में दूरभाष के जरिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। संक्रमितों के गाँव पहले से सील है। सैनिटाइजेशन चल रहा है।